अथ दशमो अध्याय महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसह की कथा। सूत वाच पाम 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 पा मारे 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 मा पाम मा मारे नी निसा पाम पा मारे निध निध पा सनि सरे रे रे सनि ध पा मगा श्रीमतिक्ष्वाकुवंशी राजा परम धार्मिक आसीन मित्र सहो नाम श्रेष्ठ सर्वधनुष्मता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुधारियों में श्रेष्ठ मित्र सह नामक राजा था। तस्य राज्ञ सुधर्मिष्ठा मदयन्ति प्रिया शुभा दमयन्ति नरस्येव बभूव विदिता सती। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सती तो संपन्न थी। स एकदा हि मृगया स्नेहि मित्र सहो नृप महद्वानेन संयुक्तो जगाम गहनम बलम। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। विहरंस्तत्र सनिपं कमलम् निशाचरम् निजगान महादुष्टम् साधु कीर्तनं करम् अथ तस्यानुजः पापी जयेयं छद्मनैव तं नत्वा जगाम नृपतेरन्तिकं कृत्वारकः। वहाँ घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमर्थ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। अथ तस्मिन् वने राजा कियत् कालं विहित्य सः निवृत्तो मृगयामित्वा स्वपुरीमयं मुदा। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रक्षसा सुदरूपेण समिश्रित नरामिषम् शफामीशम् पुरकृप्तम् दृष्ट्वा गुरुरथाप्रदी। रसोई का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिश परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे। गुरु उवाच देवं नरामिषं राजं स्वयेत क्षद्मकारिणा खलेनोपाहृतं मह्यं ततो रक्षो भविष्यसि रक्ष क्रेतं च विज्ञाय तदैवं स गुरुस्तदा पुनर्विमृशतं शापं चकार गदशाब्दिकम्। गुरु जी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे इस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। सराजानुचितं शापं विज्ञाय खुद मूर्छितः जलं जलं समादाय
गुरुं शात्रुं समुद्रतः तदा च तत्प्रिया साद्रि मदयन्ति सुधर्मिणी पतित्वा पादयोस्तस्य शापं तं निवारय। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया जिससे उसके चरण काले पड़ गए। ततः प्रभृति राजा भूत्स लोकेस्मिन् मुनीश्वरः कल्मषाङ्घ्रिरिति ख्यातः प्रभावात्तञ्जलसहि। हे मुनीश्वरों, उसी समय वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कल्माषपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा नेत्र सहर्षापुरऋषिवरस्य हि बभूव राक्षसो घोर हिंसको अनुगोचरः सवे भद्राक्षसं रूपं परान्तकयमुपमं चखदारि विधां दन्तं मानुषादिनहेचरः। तदनंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र सहवन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस स्वरूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। किशोरं मुनिनन्दनं जघुं जाग्रह शापार्थो व्याघ्रो मेघशिशुयथा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी। प्रार्थ्यमानोऽपि बहुश पुरुषाद स निर्घृणः चखादाशिर उत्कृत्य विप्रसूरदुराशयः। किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोच कर खा गया। अथ साध्वी च साधीना विलप्य भृशदुःखिता आहृत्य भर्तुरास्थिनी चितां चक्रकिलोल्बणा। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। भर्तारामनुगच्छन्ति संवेशन्ति हुताशनम् राजानं रक्षसाकारं साशपापविजाङ्गना। अद्य प्रभृति नारीषु यदा त्वं संगतो भवेः तदा मृतिस्तवेत्युक्त्वा विवेशजलनं सति। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। सोपी राजा गुरु शाप मनुभूय कृतावधिं पुनः स्वरूपमास्थाय स्वगृहं मदपूजयो। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के श्राप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। शापं मदयन्ति रति प्रियं
पतिनिवार यामास वैधव्यादति विप्रति। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। राज्य भोगेशु पार्थिव सकलाम लक्ष्मी तब संतान विहीन वह राजा राजा भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में ही चला गया। समायान्ति ब्रह्महत्यां सुदुःखदां ददर्श विकटाकारं तर्जयन्ति मुहुः तस्यानिर्भद्रमान् वीक्ष्य राजा निर्विन्मानसः चकारनानुपायांस जपव्रतमखादिकम्। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकात हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्महत्या को देखा। उसे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्थान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। गौतमं विमनाशयं तदर्शनात् किञ्चित् कर्णनामहुः। राजा ने विशुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। अथ तत्पृष्ठकोशं दीर्घमूर्छं च निःश्वसन् तत्कृपादृष्टि सम्प्राप्त सुखं प्रोवाच तं नृपः। उसके अनंत ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजोवाच, मुने मां वदति योश ब्रह्महत्या दुरत्यया अरक्षिता परस्तात् तर्जयन्ति पदे पदे। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा ना देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। छाग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। नानुपाय कृतामे तौचान्ते ब्रह्मता मुने नवृत्ता ब्रह्महत्या मम पापात्मनः किम्। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। जन्म साफल्य संप्राप्त यथस्ता दर्शना देव ममानंद वरो भव। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अद्य मे तव पादाक्ष चरणस्य कृतेन सह शांतिं कुरु महाभाग जिनहं सुखमाप्नुयाम्। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूतवाच, इति राज्ञा समादिष्टो गौतमः करुणार्दधि समादिदेश घोराणा मघानां सर्वनिष्कृति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया।
गौतम उवाच। साधु राजेन्द्र धनोऽसि महाकेभ्यो भयं त्यज, शिवे शास्त्रि भक्ताना को भयं शरणेषिणा। गौतम जी बोले, हे राजेंद्र तुम धन्य हो, अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। शिव राजन महाभाग क्षेत्र मन्य प्रतिष्ठितम महापातक संहारी गोपालाख्यम शिवालयम तत्प्रसिद्धिर पापानम महद्वयो महतामपी महाबलविधानेन शिवः सन्निहितः स्वयं। हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। सर्वेषां शिवलिङ्गानां सार्वभौम महाबलः चतुर्योगे चतुर्वर्ण सर्वपापहारकः। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो चार युगों में चार प्रकार से वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमं बुधितिरस्थं गोकर्णं तीर्थमोत्तमं तत्रास्ति शिवालिङ्गं तन्महापतनाशकं तत्र गत्वा महापापः सर्वतीर्थेषु भूरिशः महाबालं च सम्पूज्य प्रयाता शङ्करं पदम्। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर शैव पद को प्राप्त हुए हैं। तथा त्वमपि राजेन्द्र गोकर्णं कीर्षालयं गत्वा सम्पूज्य तल्लिङ्गं कृतकृत्यत्वमाप्नुयः तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वाप्यर्च्य महाबलं सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवलोकं त्वमाप्नुयः। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भलीभांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत वाच। इत्यादिष्टं स मुनिना गौतमेन महात्मना महाहृष्ट मनाराज गोकर्णं प्रतिपाद्यताम् तत्र तीर्थेषु स्वस्नात्वा समाप्यर्च्य महाबलं निधूताशेष पापोघो लभक्षं बहुपरं पदम्। जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। या इमां शिवया नित्यं महाबल कथा प्रिया त्रिसप्त कुल देह सार्धं शिवलोके रजत्यसौ इति वश्च समाख्यातं महात्म्यं परमाद्भुतं महाबलस्य धीरेषु लिंगस्य निखिलागति। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया।
इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम महाबलाह शिवलिंग महात्म वर्णनम नाम दशमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म वर्णन नामक दसवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।